वंदे मातरम दोस्तों, नव ग्रह रत्न की चर्चा में आज मैं बात करूंगा नौवें नवग्रह रत्न केतु के रत्न लहसुनिया के बारे में। जी हाँ दोस्तों, लहसुनिया जिसे इंग्लिश में कैट आई भी कहते हैं, बहुत मशहूर, बहुत जाना पहचाना सा ये रत्न सफेद और काली धारी में, बहुत ही मन को मोहने वाला। जब हरा पत्ता कुछ सूख जाता है तो उस तरह का रंग उसका हो जाता है और उस पर सफेद और काली सी धारियां, देखने में मन को बहुत ही लुभाने वाला लहसुनिया। जी हाँ दोस्तों, बहुत चमत्कारी रत्न केतु का ये रत्न है लहसुनिया। जीवन को अचानक आपकी किस्मत को चमकाने में सक्षम है लहसुनिया, किस्मत को चमकाने में सक्षम है। किस्मत चमक गई तो क्या मिलेगा दोस्तों? धन दौलत शोहरत शांति तंदुरुस्ती। बहुत प्रभावशाली रत्न लहसुनिया। अगर बुरे सपने आते हों, आत्मविश्वास की कमी हो, और कोई ऊपरी बाधा कोई हो, उसमें भी यह बहुत कमाल का काम करता है। शत्रु बहुत ज्यादा हो और शत्रुओं से व्यक्ति परेशान हो तो इसके धारण करने के पश्चात शत्रु पक्ष खुद ही शांत हो जाते हैं। सेहत डावाडोल रहती है, सेहत में सुधार, व्यक्ति तंदुरुस्त हो जाता है इसे धारण करने के पश्चात। बुरे स्वप्न आने बंद हो जाते हैं, आत्मबल में वृद्धि करता है। जीवन में चमत्कार के रूप में ये हमें कारोबार में वृद्धि, धन दौलत और सुख चैन और शांति जीवन में प्रदान करने वाला केतु का ये रत्न लहसुनिया। एक बहुत खास बात है दोस्तों, यदि आपके बच्चे परेशान हो, बच्चों के कारण आप परेशान हो या आपके बच्चे परेशान हो, तो यदि आप लहसुनिया धारण करते हैं तो आपके बच्चों के जीवन में खुशहाली आ जाती है और बच्चों से आपको सुख की प्राप्ति होती है। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत खास प्रभाव इसका संतान सुख पर पड़ता है। संतान सुख पर इसका बहुत खास प्रभाव है केतु ग्रह का। तो केतु के रत्न लहसुनिया को अगर आप धारण करते हैं विधिवत, तो यहां ये आपको संतान सुख से संबंधित सुखद समाचार देने वाला लहसुनिया। केतु दोस्तों, केतु मोक्ष का कारक ग्रह है। जीवन में विजय पताका को फहराने में केतु को कहते हैं, ये ध्वज विजय का ध्वज है। तो निश्चित रूप से केतु के रत्न लहसुनिया को जब धारण करते हैं तो हमारी प्रवृत्ति मोक्ष की तरफ बढ़ती है। हम जीवन में सच्चे मार्ग की ओर चलने को प्रेरित होते हैं और जो जीवन का हमारा ध्येय है मोक्ष की प्राप्ति, उस तरफ हम अग्रसर हो जाते हैं। बहुत सुंदर सा रत्न छाया ग्रह केतु का, जिसका जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव, मोक्ष को देने वाला ग्रह, और उसका रत्न लहसुनिया। जी हाँ दोस्तों, बात करूं दोस्तों कि इसे धारण कौन कौन कर सकते हैं, तो जैसा कि मैंने बताया, इन परिस्थितियों में जो परिस्थितियां मैंने बताई उन परिस्थितियों में
हर लगन वाले इसे नहीं धारण कर सकते दोस्तों। ये परिस्थितियां जिन लग्नों का मैं नाम लूंगा, उन लग्नों के जो मेरे भाई और मेरी बहनें हैं उनके साथ हैं, तो वो ही इस रत्न को धारण कर सकते हैं। बाकी के लगन वाले अपनी कुंडली की अच्छी तरह विवेचना कराने के उपरांत ही केतु के रत्न लहसुनिया के समीप जाएं। कौन से वो लगन हैं जो इस रत्न को धारण कर सकते हैं दोस्तों, तो उसकी बात मैं करता हूं। सबसे पहला लगन वृषभ लगन। जी हाँ दोस्तों, वृषभ लगन के मेरे भाई और मेरी बहनें कुंडली की विवेचना के उपरांत और केतु की पोजीशन कुंडली में कैसी है, कहाँ है, उसको देखने के उपरांत निश्चिंत होकर लहसुनिया को धारण कर सकते हैं। मिथुन लगन वाले भी कुंडली की विवेचना के उपरांत निश्चिंत होकर केतु के रत्न लहसुनिया को धारण कर सकते हैं। कन्या लगन के मेरे भाई और मेरी बहनें कुंडली विवेचना के उपरांत केतु की प्लेसमेंट को देखते हुए, अगर केतु की प्लेसमेंट ऐसी है कि हमें लहसुनिया रत्न धारण करने से लाभ होगा, तो आप निश्चिंत रूप से कन्या लगन वाले मेरे सभी भाई और मेरी बहनें लहसुनिया को धारण कर सकते हैं, आपको लाभ ही मिलना है। तुला लगन। तुला लगन वाले मेरे भाई और मेरी बहनें कुंडली को दिखाकर केतु की प्लेसमेंट D1 चार्ट में अर्थात जन्म कुंडली में उसकी स्थिति को देखकर, यदि उसका हमें जरूरत महसूस होती है कि हमें लहसुनिया धारण करना चाहिए, उसकी आवश्यकता है, तो धारण तुला लगन वाले निश्चिंत होकर कर सकते हैं, उन्हें उससे लाभ ही मिलना है। बात करूं मकर लगन। मकर लगन वाले मेरे जितने भाई और मेरी बहनें हैं वो भी कुंडली की विवेचना के उपरांत लहसुनिया धारण कर सकते हैं। और कुंभ लगन वाले मेरे भाई और मेरी बहनें निश्चिंत होकर कुंडली की विवेचना के उपरांत केतु के रत्न लहसुनिया को धारण करने, उन्हें लाभ ही मिलेगा। ये 6 लगन दोस्तों जिनकी मैंने चर्चा की, ये तो कुंडली की विवेचना के पश्चात निश्चिंत होकर धारण करें, नुकसान नहीं मिलना है इन्हें, इन्हें लाभ की प्राप्ति ही होगी। बाकी बचे 6 लगन वाले मैं कहूंगा दूर से नमस्कार कर दें लहसुनिया रत्न को। और यदि बहुत ज्यादा परिस्थितियां ऐसी हैं कि लहसुनिया को धारण करना ही पड़ेगा, तो फिर कुंडली की विवेचना अच्छी तरह करवाएं और तत्पश्चात ही लहसुनिया को धारण करने के बारे में विचार करें, अन्यथा बाकी के बचे 6 लगन वाले लहसुनिया से दूरी बनाकर रखें। दोस्तों लहसुनिया को जब आप लें तो इसे भी आप 4 कैरेट से लेकर 7 कैरेट के बीच में आप इसका वजन ले सकते हैं आयु और व्यक्ति के भार के अनुसार। और इसे सोने चांदी या अष्ट धातु में इसकी मुद्रिका को तैयार करवाएं। मुद्रिका को तैयार करने के उपरांत इसे केतु के यंत्र पर रखकर केतु के बीज मंत्रों का 17,000 की संख्या में, जी हाँ दोस्तों, केतु के वैदिक बीज मंत्रों का 17,000 की संख्या में जाप श्रद्धा पूर्वक करें। तत्पश्चात इस मुद्रिका को अश्विन नक्षत्र, मघा नक्षत्र या मूला नक्षत्र, इन 3 नक्षत्रों में जो केतु के नक्षत्र हैं इनमें धारण श्रद्धा पूर्वक आपने कर लेना है। दाहिने हाथ में यदि धारण करना चाहते हैं
तो दाहिने हाथ की सबसे छोटी जो उंगली है कनिष्ठिका, उसमें धारण करें, और अगर बाएं हाथ में धारण करने की इच्छा है तो बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में इसे धारण किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अच्छा दोस्तों, अच्छे कर्म करते रहें, अपने पुण्य कर्मों के खाते को बढ़ाते रहें, इसी शुभ मंगल कामना के साथ मैं अजीत मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम।